जवान नकवी साहब को देखा, लेकिन देखे उनके साथ क्या लोग शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बंदी है अंदाजा करे। मैंने आपको बताया, मुझे जवान नकवी साहब ने खुद ये बात बताई एक बहुत बड़े आलिम दीन के बारे में, शिया के, नाम लिए बगैर, कि वो कहने लगे कि मेरी एक स्टूडेंट थी कराची में, तो वो उनके यहां मेहमान हुए, वो सीनियर खातून थी, उन्होंने कहीं जवाहर नकवी साहब का जिक्र किया, तो वो शिया आलिम कहने लगे कि अगर मेरे पास रिवॉल्वर हो और उसमें एक गोली हो और एक तरफ शिमर इब्न दिल जोशन जो कातिल है हुसैन इब्न अली का वो खड़ा हो और दूसरी तरफ सैयद जवाद नकवी खड़े हो, तो मैं शिमर को छोड़ के जवाद नकवी को गोली मार दूंगा। आप अंदाजा करें क्या जवाद नकवी जो है वो शिया के अंदर मोहब्बत अहले बैत के इमाम नहीं है इस वक्त? क्या शिया के मसलक को जो मुर्दा हो चुका था, उस मुर्दा घोड़े में सैयद जवाद नकवी साहब ने जान नहीं डाली? शिया मकतब जो कि बद अमली का नुमाइंदा ग्रोह बन चुका था मुसलमानों के यहां तमाम फिरकों में, उनके अंदर किताबो सुन्नत पे चलने की तड़प नहीं उन्होंने पैदा की? औरतों का मुकम्मल हिजाब, हत्ता के हाथों में दुस्ताने तक, चेहरे का निकाब और बच्चों में दाढ़ियां, और कोई बच्चा नंगे सर नहीं होता उनके मदरसे के अंदर, ये रेवोल्यूशन उन्होंने बर्पा की है। वन मैन आर्मी है, लेकिन देख ले उनके मुखालफीन उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो आप देखें इस तरह के मामलात को, ओके, मुस्लिम हर जगह पैदा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेहादे उम्मत पे भी काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि गदीरे खुम के बगैर उम्मत कहीं पे जमा हो सकती, ये उम्मत हजरत अबू बकर उमर उस्मान पे जमा नहीं हो सकती, लेकिन गदीरे खुम पे जमा हो सकती है, क्योंकि गदीरे खुम से ना सुन्नी को इनकार है ना शिया को इनकार, और गदीरे खुम पे सही मुस्लिम में ऊपर तले चार अहदीस 6225 से 6228 तक कि कुरान को पकड़ना ये हदायत है, नूर है, अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। पहली भारी चीज कुरान है, दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, इनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मेरी वफात के बाद इनके